आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो कोरल के अंदर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये फिजिक्स का डायग्राम है, और इसमें ये कुछ डायमेंशन दिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये बी और ये इस तरीके से यू कॉस थीटा। तो इस डायग्राम को कोरल ड्रॉ के अंदर कैसे बनाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड कर देता हूँ। कोई भी डायग्राम बनाने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कभी भी अगर कोई डायग्राम बनाता हूँ तो मैं उसका डायमेंशन और रेशियो ध्यान में रखता हूँ। इससे होता यह है कि अगर कोई भी डायग्राम आप कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप क्रिएट करते हैं, तो आपको उस डायग्राम को कहाँ यूज़ करना है, किस साइज़ में यूज़ करना है, ये आपको पहले से पता होता है। इसलिए किसी भी डायग्राम का डायमेंशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये आप रेक्टेंगल टूल देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो ये मैं अपनी सहूलियत के लिए करता हूँ। जैसे ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब इससे होगा ये कि मैं इस बॉक्स के अंदर काम करूँगा। इसका फायदा ये है, जो भी मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ इस बॉक्स से वो बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं फ्री हैंड टूल का यूज़ करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट्स का यूज़ करूँगा। इससे होगा ये कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत फास्ट वे में होता है। तो सबसे पहले मैं फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ। मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ले ली। इसकी आप डायमेंशन रख सकते हैं, ये हो गई हमारी एक वर्टिकल लाइन। देन मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। अब जैसे आप इस वाले केस में देख रहे हैं 875 मीटर दिया हुआ है, तो 875 मीटर तो आप यहाँ ले नहीं सकते हैं। आइडिया के बेस पे आप डायमेंशन ले सकते हैं, तो उसी के बेस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन होगी और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। देन इसके बाद मुझे करना ये है कि इसी लाइन का आप कॉपी बनाएंगे प्लस बटन से। देन इस लाइन को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर टी दबा दूंगा, तो ये टॉप हो जाएगा। इसके बाद आप ये देख रहे हैं पी से लेके बी तक ये जो कर्व गया है, ये 60 डिग्री के एंगल पे मेंशन है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम पता करना चाहते हैं कि ये कितने डिग्री है। तो हम इस पे सिंपली हमने इसे सेलेक्ट किया है। देन F10 में प्रेस करूंगा और यहाँ पे ये जो नोड है इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके देन वापस उसी पोजिशन पे लाऊंगा, तो आप देख रहे हैं 60 डिग्री नीचे मेंशन कर रहा है। तो ये एंगल 60 डिग्री का है, तो हमें यहाँ भी इसी तरीके से क्रिएट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे, देन इस जगह पे आके आप सर्कल क्रिएट करेंगे। तो एक अंदाजन में इतना ले लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। देन इसे मैं आर्क में कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देन मैं F10 प्रेस करूंगा और उसके बाद यहाँ से ये मैंने नोट पकड़ी, इसको मैं इस तरीके से 60 डिग्री पे ले आऊंगा। तो आप नीचे देख रहे हैं 60 डिग्री आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री पे से छोड़ दिया है। अब आपको करना ये है कि ये जो एरो आप देख रहे हैं पी से होता हुआ गया, ये इस पर आप F5 प्रेस करेंगे। देन यहाँ से क्लिक करके ये 60 डिग्री पे आप इसको एक अंदाजे पे ले जाके आप इसे छोड़ देंगे। ये मैंने 60 डिग्री का एंगल ले लिया है। देन इसके बाद ये जो आर्क है आप पी से लेके बी तक देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। F5 प्रेस करूंगा, देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये हमें एक लाइन मिल गई है। अब इस लाइन को कन्वर्ट टू कर्व के लिए आप F10 प्रेस करेंगे, देन इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये लाइन सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कन्वर्ट टू कर्व, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले आप पहली नोड सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे इस तरीके से, देन इसके बाद इसको एक अंदाजे से यहाँ ले लेंगे। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत टच हो रहा है यहाँ पे, तो मैं ये थोड़ा सा इतना नीचे मैंने ले लिया है, इससे कि थोड़ा सा आपको सिमेट्री लगे। इसके बाद आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन को मैं एरो में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये एरो में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इस डॉटेड लाइन को आप क्रिएट करेंगे। इस लाइन का मैं हाफ ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये इसका सेंटर पे आ गया। देन यहाँ से इसको मैं रिवर्स नीचे क्रिएट करके राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, जिससे कि इस लाइन का कॉपी ऑफ कॉपी बन जाएगी। तो मैंने ये देखिए प्रेस किया, तो ये लाइन अलग हो चुकी है और ये लाइन अलग हो चुकी है। तो इस लाइन को हम सबसे पहले डॉटेड में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, अभी इस लाइन को जब पूरी डायग्राम क्रिएट हो जाएगी, तो कुछ ये जो आप मोटाई देख रहे हैं लाइंस की, इसको हम बिल्कुल फाइनल में करेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो हम पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं। और ये वाला जो है, इसको भी आप एरो में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक H इक्वल टू 875 मीटर मेंशन है। तो सबसे पहले हम F5 प्रेस करेंगे, देन इस लाइन से मैंने इस लाइन को जोड़ दिया, इसको भी एरो में कन्वर्ट करते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं U cos थीटा, तो इसको भी हम मेंशन करेंगे। इस लाइन पे क्लिक करके इस लाइन की मैं कॉपी क्रिएट करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद प्लस बटन पे क्लिक करूंगा। मैं न्यूमेरिकल कीपैड पे आप प्लस बटन यूज कर सकते हैं, तो मैंने प्लस बटन प्रेस किया, देन ये कॉपी ऑफ कॉपी बन चुका है। मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। इसको भी मैं एरो में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, इस लाइन को भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं,
इसको भी मैं एरो में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे लेबलिंग। ये पूरा फ्रेम बनाने के बाद अब हम इसकी करेंगे लेबलिंग। तो सबसे पहले हम F8 प्रेस करेंगे, हम कैप्स लॉक में A B P फिर स्मॉल में G। अब इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ। देन इसका फॉन्ट साइज ले लेता हूँ मैं 10, या 8 भी ले सकते हैं क्योंकि 10 ज़्यादा बड़ा है, 8 ले लिया है मैंने। तो इसको मैं कंट्रोल K से करूँगा ब्रेक, देन इसके बाद भी कंट्रोल K। तो ये आप देख रहे हैं ये अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे हम जल्दी से लेबलिंग कर लेते हैं। A मैंने यहाँ रख दिया, B मैंने यहाँ रख दिया, G मैंने यहाँ रख दिया। इस लाइन को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेते हैं। इसके बाद P मैंने यहाँ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मेन मेन पार्ट्स को हाईलाइट कर देते हैं। मेन मेन पार्ट सेलेक्ट कर लिया, F12 प्रेस करूंगा और इसकी हेयर लाइन बढ़ा दूंगा। मैंने ले लिया 1, एंटर। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ लुक आता है। ये हेयर लाइन मोटी है और ये पतली है, तो उसको मैं क्लिक करूंगा सिंपली, F12 प्रेस करूंगा। देन यहाँ पे जो आप विड्थ देख रहे हैं इसको मैंने 1 कर दिया। यहाँ पे लेबलिंग रह गई है, तो सबसे पहले मैं इसको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके राइट क्लिक करके प्रेस कर देता हूँ, तो ये डुप्लीकेट आ गई इस लेबलिंग की। इससे होगा ये कि मुझे फॉन्ट साइज सेट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं F8 प्रेस करता हूँ, फिर मैं H स्पेस इक्वल टू 875 मीटर। तो मीटर के लिए मैंने जैसे डी ले लिया, इस डी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कृति देव मैंने फॉन्ट ले लिया, या आप डबल टेक्स्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीटर इस तरीके से लिख दिया। मीटर जैसे ये मैंने लिखा, ये हिंदी में लिखा है, अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो मच बेटर, नहीं तो आप गूगल इनपुट से, गूगल के थ्रू आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देन इसके बाद यहाँ पे मुझे 5 को सेलेक्ट करना होगा और मैंने इसे कर लिया कॉपी। देन मीटर के बाद अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मीटर यानी कि जो हिंदी में लिखा हुआ इसकी प्रॉपर्टीज़ को पिक करेगा। तो जैसे मैं आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने डी प्रेस करा तो ये देखिए कहाँ आ रहा है। तो इसके लिए मैंने जो 5 कॉपी किया था मैं इसको पेस्ट करूँगा। देन इसके बाद अब जो मैं टाइप करूँगा वो इंग्लिश में ही होगा, तो यू स्पेस कॉस्ट थीटा। तो थीटा के लिए हम क्यू प्रेस करेंगे स्मॉल में, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट किया। देन इसको मैं सिंबल के फॉन्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, अब आप जो देख रहे हैं U, इसको मैंने कंट्रोल I से इटैलिक कर दिया और H को कंट्रोल I से इटैलिक कर दिया। देन ये मेरी टाइप हो चुकी है। मीटर थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 फॉन्ट ले लिया है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। और इसको कंट्रोल K से मैं ब्रेक कर दूंगा। ये वाली लेबलिंग मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ और ये वाली लेबलिंग मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। लेबलिंग को सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन को सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ और C प्रेस कर दें, तो इस लाइन का ये ऑटोमेटिक अलाइनमेंट पिक कर लेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए परफेक्ट सेंटर है। इसी तरीके से इस लेबलिंग को इस लाइन के साथ सेलेक्ट करता हूँ और देन मैंने CE प्रेस कर दिया, तो इस लाइन का सेंटर डिटेक्ट कर लिया इसने। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा व्हाइट स्ट्रोक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस लेबलिंग को सेलेक्ट करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप जो नन देख रहे हैं यहाँ पे आप 2 टाइप कर देंगे। देन इसके बाद आप टैप प्रेस करेंगे और ये कॉर्नर्स को राउंडेड कर दीजिए और यहाँ पे बिहाइंड फिल पे आप टिक करेंगे और ये जो ब्लैक कलर है इसको आप वाइट कर देंगे। देन ओके प्रेस कर देंगे, तो इससे होगा ये जो आप देख रहे हैं लेबलिंग के पीछे वाइट फिल हो गया, यानी कि एक तरह से कह सकते हो वाइट स्ट्रोक जा रहा है। इसको थोड़ा सा भी देखिए शार्प नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया। देन F12 प्रेस कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 ले लेता हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया तो अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है। इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं एक्स, यहाँ पे भी मुझे एक्स मेंशन करना है, तो B को मैंने इसका कॉपी ऑफ कॉपी लिया लेबलिंग का। देन F8 करके मैंने इसे सेलेक्ट करके X प्रेस किया यहाँ पे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल I यानी कि इटैलिक कर दिया। देन इसको मैं यहाँ पे CE कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आ चुका है। अब या तो वही प्रोसेस आप दोबारा फॉलो करिए या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको आप राइट क्लिक करके प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस लेबलिंग पे लाएंगे आप, तो इस लेबलिंग पे लाके आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज, जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टीज ले लेगा। तो इसमें होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, F12 प्रेस किया, तो यहाँ पे मैंने 4 किया था, यहाँ मैंने कलर सेलेक्ट किया था, यहाँ बिहाइंड फिल किया था, ये राउंडेड कॉर्नर किए थे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। अब इस लेबलिंग की मैं कॉपी ऑफ कॉपी करके कि यहाँ भी मुझे लेबलिंग मेंशन करनी है, तो यहाँ पे लाके मैंने राइट क्लिक करके छोड़ दिया। देन इसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये टेक्स्ट एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे मैं कर दूंगा साइन, तो ये यू साइन थीटा हो चुका है। तो अब आप देख रहे हैं जहाँ पे जो जो लेबलिंग मेंशन है ये सारी मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दी है। लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग भी पतला या मोटा कर सकते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। F12 करके मैंने जैसे 1 दे दिया, तो ये 1 आप देख रहे हैं, आप इसे 0.8 भी ले सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से थोड़ा सा डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाना है। इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।